कहते हैं कि इंसान से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। अगर आप उनसे प्यार करें तो बदले में वो आप पर जान छिड़कते हैं। कुत्तों की वफादारी की मिसाल तो आपको कई सारी सुनने को मिल जाएंगी। हालांकि पालतू जानवरों से इंसानी लगाव के किससे भी कोई कम नहीं है। ऐसा ही कुछ तमिलनाडु के शिवगंगा में देखने को मिला, जहां 80 साल के बुजुर्ग ने अपने पालतू से इतनी मोहब्बत की कि उसके मरने के बाद उसकी याद में पालतू कुत्ते का मंदिर बनवा डाला। अपने कुत्ते के मंदिर पर 80 साल के ये शख्स नारियल का प्रसाद और फूलों की माला चढ़ाते हैं। कुत्ते के प्रति इस शख्स का ये अनोखा प्यार देख आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक हमने भगवान के मंदिर देखे, लेकिन आज कुत्ते का मंदिर भी देख लीजिए। 80 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी मुथु ने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। लैब्राडोर नस्ल के अपने पालतू कुत्ते को वो परिवार की तरह मानते थे। पिछले साल मुथु के पालतू कुत्ते की मौत हो गई थी। इससे वो और उनका परिवार बहुत ही ज्यादा दुखी था। अब मुथु ने अपने कुत्ते की याद में उसका एक मंदिर बनवाया है। खास बात यह है कि इस मंदिर में उन्होंने कुत्ते की मूर्ति भी लगवाई है और अपने कुत्ते के मनपसंद के हर पकवान बनाकर उसे रोज चढ़ाते हैं। अपने वफादार को अजीबोगरीब तरीके से श्रद्धांजलि देने की ये घटना इलाके में सुर्खियां बटोर रही है। मुथु के भतीजे मनोज कुमार की माने तो उनके भाई ने 11 साल पहले टॉम नाम के कुत्ते को खरीदा था। मनोज कुमार बताते हैं कि टॉम पिछले कुछ समय से बीमार था, कुत्ते का इलाज चल रहा था। हालांकि टॉम को बचाया नहीं जा सका और जनवरी 2021 में बीमारी की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मुथु ने 80,000 रुपए खर्च करके कुत्ते की एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति बनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।